नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ रेणु माथुर। सोशल मीडिया पर पिछले काफ़ी टाइम से ऐसी बहस चल रही है कि रिया चक्रवर्ती जैसी औसत एक्ट्रेस सतीश मान शिंदे जैसे हाई प्रोफाइल वकील की फीस कैसे अफोर्ड कर सकती है। हाल ही में रिया के वकील ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है और ये केस बेहद हाई प्रोफाइल हो चुका है। इस केस की जांच से जुड़े हर पहलू पर लोगों की नजरें हैं। यही वजह है कि कुछ टाइम पहले रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे की फीस को लेकर भी काफी चर्चा हुई और सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया कि रिया चक्रवर्ती जैसी औसत एक्ट्रेस सतीश जैसे हाई प्रोफाइल वकील की फीस कैसे अफोर्ड कर सकती है। हाल ही में रिया के वकील ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। सतीश मान शिंदे ने कहा कि पिछले काफी टाइम से मीडिया और सोशल मीडिया पर मुझे और मेरे क्लाइंट को फीस के लिए ट्रोल किया जा रहा है। ये बेहद गैर जरूरी और गलत है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं उनका केस फ्री में लड़ रहा हूँ। ये बात भी सच नहीं है। फीस का मैटर मेरे और मेरे क्लाइंट के बीच की बात है और जिस तरह से मुझ पर लगातार सोशल मीडिया पर अटैक हो रहा है, मैं उन मीडिया हाउसेस को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप खुश रहिए बस। जी हाँ दोस्तों, सतीश मान शिंदे बॉलीवुड के जाने माने लॉयर हैं। आपको बता दें कि सतीश मान शिंदे ने बॉलीवुड के बड़े बड़े केस लड़े हैं। इनमें संजय दत्त, सलमान खान, बाला साहब ठाकरे के केस शामिल है। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती का केस लड़ने की वजह से सतीश मान शिंदे को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। इसके साथ ही उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि रिया जैसी औसत दर्जे की एक्ट्रेस इतने हाई प्रोफाइल लॉयर की फीस कैसे पे कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, सतीश मान शिंदे एक बहुत बड़ा नाम है वकालत की दुनिया में और रिया चक्रवर्ती का केस लड़ने वाले ये हाई प्रोफाइल लॉयर हैं, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती इनकी फीस कैसे दे रही है, क्योंकि सतीश मान शिंदे की फीस बहुत ज्यादा है। इस मामले पर अब सतीश मान शिंदे ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि ये उनके और रिया चक्रवर्ती जो उनकी क्लाइंट है उनके बीच की बात है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है सतीश मान शिंदे को इस बात को लेकर कि आखिर रिया चक्रवर्ती उनकी फीस कैसे चुका रही हैं। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्म बीट।